नाज़रीन, कराची जे श्री स्वामी नारायण मंदिर में होलीअ जो ॾिणु मल्हायो वियो। वधीक तफ़सील कमल जी रिपोर्ट में। सिंध समेत सॼी दुनिया में होलीअ जो ॾिणु वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सिंध जे तख़्तगाह कराचीअ जे श्री स्वामी नारायण मंदिर ऐं रंछोलाइन मंदिर में होलीअ जी मुख्य तकरीब कोठाई वई, जंहिं में सियासी, समाजी ऐं हिंदू बिरादरीअ जे अॻवाड़नि वॾे अंग में शिरकत कई। होली वारी तकरीब में हिक ॿिए खे रंग लॻाए मुहबत ऐं ॿधीअ जो इज़हार कयो वियो। आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हिंदू बिरादरीअ जे अॻवाड़नि जो चवणु हो त होली मल्हाइण जो मक़सदु सच जी फतह ऐं ॿधीअ जी हार आहे। पाकिस्तान में खुशियूं मल्हायूं था, लेकिन गॾो गॾु असां जेको असांजे बरादर मुल्क भारत में जेको अक़लियतनि सां ज़ुल्म थिए थो, उनखे बि असां ज़हन में रखियो आहे की असां केतिरी आज़ादी सां पंहिंजा त्योहार हिते मल्हायूं था, जॾहिं की असांजे हमसाय मुल्क में जेको अक़लियतूं हुनजे लाइ ज़मीन तंग कई थी वञे। त असां हिते तमामु आज़ादी सां ख़ुशी सां मल्हायूं था ऐं तमामु सभु ॾाढा ख़ुशि आहियूं। मां अॼु मां आई हुई अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट करने, तो मैं यहां पे एज अ पाकिस्तानी अपने हिंदू दोस्तों के साथ हूँ और उन्हें रवादारी, अमन और मोहब्बत का पैगाम दूंगी कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं सब उनके साथ हैं। मेरी तरफ से पहले तो मेरी तमाम बरादरी को, कम्युनिटी को हैप्पी होली, और साथ साथ हमारा प्यारे मुल्क पाकिस्तान जहाँ हम रहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारे दिलों में धड़कन की तरह चलता रहता है, और मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं और बहुत मज़ा आता है और इसे बहुत इंजॉय रंग लगाते हैं, एक दूसरे को इंजॉय करते हैं हम लोग। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। आज बड़ा अच्छा त्यौहार है हमारा और यहाँ पर सब कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, और हमें कभी कोई महसूस नहीं होने दिया, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम बड़े धूमधाम से अपनी होली मना रहे और हमारे साथ सब मिलके खुशियां मनाते। तकरीब में पूजा पाठ पिण कई वई, जंहिंमें धरती माता लाइ खास दुआऊं कई वयूं। होली रुगो रंगन जो त्योहार ही न, पर पाण सगत अमन, मोहब्बत ऐं आशतीअ जो पैगाम खणी ईंदी आहे, ऐं अॼु सॼी सिंध में होलीअ जा रंग जरकी रहिया आहिनि। कैमरामैन जावेद सां गॾु कमल, आवाज़ न्यूज़, कराची।